दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप लोग डेस्कटॉप ऐप को या डेस्कटॉप पर रखी हुई फाइल को रीड कर सकते हैं, और उसमें हमने दो जो है तरीके सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेस्कटॉप से डिलीट किए गए फाइल फोल्डर को या फिर ऐप को वापस कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए सीधे और सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पर रिसाइकल बिन जो है फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर ये भी डिलीट हो जाता है तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी हमने जो पिछले वीडियो में डिलीट किए थे वो सभी फाइलें और सभी ऐप का शॉर्टकट, जैसे क्रोम हो या फिर कोई फाइल फोल्डर हो या फिर कोई भी ऐप का शॉर्टकट यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इस पर क्या करना है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं, वन क्लिक करके आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको रिस्टोर किया तो देख सकते हैं कि ये जो है हमारे डेस्कटॉप पर वापस आ चुका है। लेकिन हमें अगर सभी एप्लीकेशन, सभी फाइल और सभी फोटोज या फिर सभी जो है हमने यहाँ पर ऐप को डिलीट कर दिया था तो सबको वापस लाना है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आल यानी कि कंट्रोल और ए बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरा जो है सेलेक्ट हो जाएगा, आल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर सिंपल सा एक क्लिक मारना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बोल रहा है कि मूविंग 68 आइटम टू डेस्कटॉप, मतलब 68 फाइल फोल्डर या ऐप जो भी चीजें उसमें होंगी वो डेस्कटॉप पर आ रही है, यानी कि आ चुकी है। द डेस्टिनेशन ऑलरेडी है जब फाइल नेम डिवाइस मैनेजर शॉर्ट लिंक रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, पहले से है तो इसको स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर 100% कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा जो भी हमने डिलीट किया था पिछले वीडियो में डेस्कटॉप ऐप को या फिर फाइल को या फोल्डर को, वो सभी जो है हमारे डेस्कटॉप पर वापस से आ चुके हैं। तो ये था तरीका जिससे आप जो है डिलीट किए गए ऐप फाइल को या फिर फोल्डर को या फिर किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट को वापस ला सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो में मुझे आप लोग को यही सिखाना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि ऐसे वीडियो चाहते हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।